और आइए अब शुरू करते हैं वायरल वीडियो के सच की पड़ताल करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम वायरल एक्सरे की। कहते हैं कि 100 झूठ पर एक सच भारी होता है, लेकिन कभी कभी 100 सच को नकार कर सिर्फ एक झूठ पर लोग यकीन कर लेते हैं। इसलिए सच और झूठ का फर्क बताने के लिए आपके लिए लेकर हम आए हैं हर वायरल का पड़ताल करने वाला ये शो वायरल एक्सरे। यूपी पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक युवक पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसा रहा है और युवक की चीख भी उस पर कोई असर नहीं कर पा रही है। क्या है इस वायरल वीडियो का सच? देखिए वायरल एक्सरे की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। थाने में बैठा एक युवक और उस पर हो रही बेहिसाब कोड़ों की बारिश। वो रहन की भीख मांग रहा है, और पुलिस वाला उसकी पिटाई किए जा रहा है। पुलिस का काम क्या पीटना है? क्या पुलिस कानून की हिफाजत करने के साथ साथ अब फैसला भी सुनाने लगी है? क्या पुलिस वालों के लिए किसी का चीखना भी कोई मायने नहीं रखता? बेहिसाब कोड़े बरसाती पुलिस आखिर पसीज क्यों नहीं रही? इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़े पुलिस अधिकारी का दफ्तर हो। पीछे बहुत सारे पुरस्कार शोभा पा रहे हैं। वीडियो में एक पुलिस वाला हाथों में बेल्ट लिए नजर आ रहा है और उसके ठीक सामने बैठा एक युवक जिसने नीली रंग की शर्ट पहन रखी है। पुलिस वाला एक के बाद एक उस पर बेल्ट की बारिश करता है। युवक कुछ बोलना चाहता है लेकिन पुलिस वाला तेज आवाज से युवक को डरा देता है। पुलिस वाला युवक से दोनों हाथ मिलाने को कहता है और फिर युवक के हाथों पर बेल्ट की बारिश शुरू कर देता है। युवक दर्द से मुंह बनाता है, कराहता है, लेकिन पुलिस वाला उसे बार बार पीटता जाता है। युवक माफी भी मांगता है लेकिन पुलिस वाला धमकाने के लहजे में युवक को डरा देता है। 23 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस की बर्बरता को दिखाने का दावा है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा, पुलिस खुद ही फैसला सुनाने लगी है, योगी जी इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करें। वीडियो को शेयर करते हुए दावा है कि ये यूपी के सहारनपुर से आया है। हमने फौरन ही इसकी पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल के दौरान हमारे सामने कुछ सवाल थे। क्या ये वीडियो सहारनपुर का ही है? वीडियो में युवक को पीटने वाला पुलिसकर्मी कौन है? पुलिस वाला युवक की पिटाई क्यों कर रहा है? क्या युवक ने कोई अपराध किया है? क्या पुलिस कस्टडी में ऐसी पिटाई सही है? सबसे बड़ा सवाल था कि अगर पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया है तो क्या पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपी को ऐसे पीटना जायज था, जबकि अभी तक ना तो कोर्ट में उसे पेश किया गया था और ना ही उसके खिलाफ कोई सजा ही तय हुई थी। तो पुलिस वाले अब खुद ही सजा भी मुकर्रर करने लगे हैं। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल तेज की। हमारे सहारनपुर संवाददाता ने पता लगाया कि वीडियो सहारनपुर के ही मंडी थाने का है। अब सवाल था, थाने में युवक की पिटाई कितनी जायज थी? युवक को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था? क्यों पुलिस युवक की सफाई सुनने को भी तैयार न थी? हमारे संवाददाता को पड़ताल के दौरान ये पता चला कि एक पुलिस वाले को उसकी बर्बरता की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। जिले के पुलिस कप्तान ने ये कार्रवाई की है। इससे हमारे इस वीडियो पर मोहर लग रही थी, लेकिन और तफ्तीश के लिए हम पहुंचे मंडी थाना और वीडियो में देखने वाले पुलिसकर्मी को ढूंढने में जुट गए। हमारा सामना उस पुलिसकर्मी से भी हुआ लेकिन वो कैमरे पर आने को तैयार न था।
पर जल्द ही कुछ अन्य पुलिसकर्मियों से इस मामले के बारे में पता चल गया। पुलिस वालों ने हमें बताया कि वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है, दरअसल वो एक छुटभैया नेता है और उसका नाम है प्रशांत गुप्ता। प्रशांत गुप्ता पर दलाली करने का आरोप था कि उसने लॉर्ड महावीरा एकेडमी में एडमिशन के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ लिए, लेकिन बच्चों का दाखिला भी नहीं हुआ, जिसकी कुछ लोगों ने शिकायत कर दी और इसके बाद जमकर धुनाई हुई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाने में उसकी बहस थाना प्रभारी से ही हो गई, जिस पर थाना प्रभारी मंडी ने उसकी पिटाई कर दी और इसका वीडियो थाने में बैठे एक दूसरे पुलिस वाले ने बना डाला। हमें यह भी पता चला कि युवक को पीटने वाले पुलिसकर्मी का नाम यज्ञ दत्त शर्मा है, जिसे एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। अब हम सीधे एसएसपी के पास पहुंचे। एसएसपी ने वीडियो देखकर यज्ञ दत्त शर्मा को पहचान लिया। देखिए, पूरे मामले की तो अभी भी मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ, जो बेसिकली व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप में मेरे द्वारा देखा गया, उसमें इंस्पेक्टर मंडी यज्ञदत्त शर्मा जी किसी एक आरोपी को, जिसको थाने में पकड़कर लाया गया था, उसको पट्टे से उनकी पिटाई की जाते हुए वीडियो में दिख रहा है। इस कड़ी में तत्काल रूप से मेरे द्वारा संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर मंडी को निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में आगे मेरे द्वारा जांच एसपी सिटी को सौंप दी गई है, उनके द्वारा सारे तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और उस तदनुसार जो आख्या उपलब्ध कराई जाएगी उसके अनुसार आगे दिखाई। पड़ताल के दौरान हमने पाया कि ये वीडियो सहारनपुर के ही मंडी थाने का था। वीडियो में दिखाई दे रहा पुलिसकर्मी मंडी थाने का प्रभारी था। पुलिस ने युवक को एडमिशन के नाम पर दलाली करने के आरोप में पकड़ा था। एसएसपी ने वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी की पहचान कर ली थी। बेरहमी से पीटने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित भी कर दिया गया था। दारोगा की कार्रवाई गलत थी, जिससे उसका निलंबन हुआ। ये सारे बिंदु ऐसे थे जो ये साबित कर रहे थे कि वायरल वीडियो सच है। क्या यूपी पुलिस में महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्या यूपी पुलिस में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है? जो वायरल वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा ही दावा है। और दावा है कि पुलिस के अधिकारी महिला पुलिस कर्मियों से घर के काम करवाते हैं। क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच, बता रही वायरल एक्सरे की ये पड़ताल। यूपी पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी फूट फूट कर रो रही है। सिस्टम से परेशान इस महिला के आंसू थम नहीं रहे। वो मदद मांग रही है, न्याय की अपील कर रही है, लेकिन उसके मुताबिक उसके ही डिपार्टमेंट में उसके सुनने वाला कोई नहीं। उसके रोने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि तकरीबन 2 मिनट के इस वीडियो में पुलिस डिपार्टमेंट की सच्चाई बताई गई है। जरा इस 2 मिनट के वीडियो को देखते हैं, जो वायरल एक्सरे की टीम के हाथ लगी। वायरल वीडियो में 2 महिलाओं को रोते हुए दिखाया गया है, जो पुलिस या सिस्टम और उसकी ज्यास्ती से परेशान है। परेशान करने वालों की पहुंच इतनी ऊंची है कि बार बार डीएम और एसएसपी के ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वीडियो में एक झोपड़ी नुमा शेड में 2 महिलाएं बैठी हैं, दोनों पुलिस की वर्दी में हैं। उनमें से एक महिला अपनी कहानी बता रही है। इन्होंने तो काम बहुत गलत किया है, तब उन्होंने बोले दरवाजे बड़े कोई बात नहीं, सर आज तो हमारे लिए, कल किसी और के लिए भी है। हम तो ना, मैं तो वहाँ से चली आई, मैं जा रही, मैंने अपने बीओ को फोन किया। बीओ ने कहा तुम एसएसपी के चली जाओ। मैं सर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मार रहे हैं। बोले ठीक है, तो मैं एसएसपी के चली आओ। वहाँ गए, इतने में इसके पीछे इसके बर्तन मंजवाए कि चल तू बर्तन मंजवाएगी कैसे, नहीं जो करे तो करवा लियो, हमारा या एसपी के चला जा, एसएसपी के या डीएम में चली जा। फिर हम लोग यहाँ आए, हमने सर इस तरीके से कह रहे तुम जाओ एसएसपी डीएम में शिकायत करो। महिला वीडियो में रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने उसको इस कदर प्रताड़ित किया है कि वो अंदर से जैसे टूट चुकी है। महिला ने बताया है कि पुलिस का अधिकारी उसे लगातार धमकियां दे रहा है।
जुल्म करने वाले अधिकारी को जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान का भी डर नहीं, और वो उस महिला पुलिस कर्मी से बर्तन धुलवाता है, उससे जबरदस्ती घर के काम करवाता है और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर उसे धमकाता भी है। भाई इन्होंने मतलब काम बहुत गलत किया है, तब उन्होंने बोले दरवाजे बड़े कोई बात नहीं, मैंने सर आज तो हमारे लिए कल किसी और के लिए भी है, हम तो ना फिर मैं तो वहाँ से चली आई, मैं जा रही, मैंने अपने डीओ को फ़ोन किया, डीओ ने कहा तुम एसएसपी के चली जाओ, मैं सर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मार रहे हैं, बोले ठीक है तुम एसएसपी के चली जाओ, वहाँ गए इतने देर से पीछे इस पर बर्तन मंजवाए हैं कि चल तू बर्तन मांगेगी कैसे, नहीं जो करे तो करवा लियो, हमारा या एस पी के चला जा एस एस पी के या डी एम ए चली जा, फिर हम लोग यहाँ आए, हमने सर इस तरीके से कह रहे कि तुम जाओ एस एस पी डी एम ए शिकायत करो। वीडियो बनाने वाले ने महिला पुलिस कर्मी से नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुशीला देवी बताया। महिला ने अपनी पहचान होम गार्ड के जवान के तौर पर बताई। उसने बताया कि वो अलीगढ़ के कोतवाली में पोस्टेड है और वहीं उसे सूबेदार दीवान नाम का पुलिस कर्मी परेशान करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला देवी। पद क्या है आपका? होम गार्ड। कहाँ पर हैं आप? कोतवाली। तो जो आपको परेशान करते हैं अक्सर? सूबेदार दीवान जी। कप्तान साहब से मिली थी आप? जी मिले थे। क्या कह दी साहब ने? उन्होंने उनको इंस्पेक्टर से वो बोला था कि देखो इस तरीके से हम इसको सस्पेंड कर देंगे तब अच्छा लगेगा, इस तरीके से बातें कर रहे हैं है? क्या चाह रहे हैं? तो फिर हमसे कहा कि ठीक है हम चले जाओ, फिर हम यहाँ आए। अब आप संतुष्ट हैं? सर हम इतना आए, हमारे साथ ऐसा कोई जुआन न करे हमारी महिलाओं के साथ, क्योंकि हमारा गरीब स्थान में हमारी योगी तक बात पहुंचा रहे, जिससे या तो इस विभाग को ही खत्म करे, नहीं हमारी समस्या को सुने सर। इतना कहकर महिला पुलिस कर्मी फूट फूट कर रोने लगती है। महिला अपनी बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की गुजारिश कर रही होती है। वो अपने विभाग की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार भी बता रही है। महिला का ये वायरल वीडियो अलीगढ़ के कोतवाली का बताया गया था। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल के दौरान हमारे सामने कुछ सवाल थे। क्या ये महिला अलीगढ़ के कोतवाली में तैनात है? क्या ये महिला सच बोल रही है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है? क्या महिला पुलिस कर्मियों से अधिकारी घर में काम करवाते हैं? क्या इस महिला पुलिस कर्मी पर पुलिस के लोग ही ज्यादती कर रहे हैं? क्यों जुल्म करने वाले पुलिस कर्मी को वरिष्ठ अधिकारियों का भी डर नहीं? महिला ने वायरल वीडियो में खुद को अलीगढ़ के कोतवाली थाने में ही तैनात बताया था, इसलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने हम सबसे पहले पहुंचे अलीगढ़ के कोतवाली थाने, जहां से हमें ये पता चल सके कि महिला क्या इसी थाने में काम करती है। जल्दी हमने उस महिला को ढूंढ निकाला। महिला से मुलाकात के दौरान हम ये जानने की कोशिश करने लगे कि कब से उसके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। उसने हमें बताया कि जब वो आमद मांगने गई तब उसे मेज में खाना बनाने को कहा गया, फिर उसे झाड़ू बर्तन करने को कहा गया, इसी बीच उसने इनकार किया तो पुलिस का अधिकारी झल्ला गया। महिला ने हमें ये भी बताया कि अधिकारी ने उससे एक दिन पहले ही अपनी कार भी साफ करवाई थी, इस बीच उससे उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। पहले हम गए, हमने कही हमारी आमद कर दो, उनकी आमद नहीं होगी, हमने क्यों कि पहले जाके मेस में खाना बनवाइए और फिर उसके बाद झाड़ू बर्तन करवाइए, हमने कही हम फिर हम चुप पड़ गए, फिर दोबारा बोले कि तुम हमारा खून जलाने आ गई हो, जाती क्यों नहीं, हमने कहा सर कैसे क्या करें, कल तो आपने कारतूस साफ करवाए थे, आज कह रहे हैं हमारे कल कपड़े खराब हो गए, आज हमसे कह रहे हैं कि काम करो झाड़ू बर्तन करो, हम नहीं करेंगे। वो हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, जिस थाने पर जाएं उसी थाने पर हम लोग होमगार्डों के साथ गलत व्यवहार होता है, ऐसा क्यों? योगी जी से हमारा निवेदन है या तो इसी विभाग को खत्म ही कर दें, नहीं हमारी सर सुने कल हम सारे पूरे दिन रोते रहे हैं, हमें नींद नहीं है, हमने खाना नहीं खाया, हम एसएसपी के पास गए, हमने सुनाया तो उन्होंने कहा ठीक है हम
उनको कहेंगे हमारे सामने फोन किया, फिर हम डीएम के पास गए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमारा न्याय करें, या तो इस विभाग को ही खत्म करें, नहीं हमें फिर जो है हमारा न्याय दिलाएं। महिला ने फिर से रो रो कर अपनी कहानी बताई। उसने एसएसपी से लेकर डीएम तक न्याय की गुहार लगाने की बात भी बताई, लेकिन उसने ये भी बताया कि अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हमने महिला के बारे में कोतवाली पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी अपने पुलिस कर्मी के खिलाफ मुंह नहीं खोलना चाहता था। हमने आरोपी सूबेदार के बारे में भी पता लगाया और हमें ये जानकारी मिली कि वो सूबेदार होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाता है, लेकिन कोतवाली थाने में हमारे सवालों का जवाब देने को कोई नहीं था, इसलिए हम सीधे एसएसपी के पास पहुंचे। हमारी पूछताछ में एसएसपी ने इस मामले की जानकारी होने की बात मान ली। थाना स्तर पे तो ये पता लगा कि होमगार्डों की ड्यूटी लगाने के संबंध में जो ड्यूटी लगाने वाला वहाँ पे दीवान है सुल्तान सिंह, दीवान सिंह का नाम है, तो तीन होमगार्ड थी जिनकी ड्यूटियाँ लगनी थी, दो की ड्यूटियाँ लगा दी गई। इसने ड्यूटी पर आपत्ति की कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। इस बात को लेके उन दोनों के बीच बहुत कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जब इंस्पेक्टर को बताया गया थाने कर्मियों में साफ झगड़ा कर रही है महिला होमगार्ड, तो ये वहाँ पे गए और उन्होंने कहा भाई आपको अगर किसी को कुछ कहना हो जवान को या होमगार्ड को आप मुझसे कहिए, आप आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। उसमें ये भी देखा मैंने कि वो ये कह रहे थे कि मैंने एसएसपी और डीएम को इस संबंध में अवगत कराया है, मेरे पास वो कभी नहीं आई, किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया और डीएम साहब के यहाँ गई कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पास केवल इस सोशल मीडिया में जो ये वीडियो आया है किसी से मुझे घटना की जानकारी सर, इस संबंध में किसी ने बताया। एसएसपी ने ये तो माना था कि ऐसा एक मामला उनके इलाके में सामने आया है, लेकिन उनकी जांच महिला के आरोपों को नकार रही थी। जांच में पुलिस कप्तान ने पाया ड्यूटी लगाने को लेकर महिला का सूबेदार से विवाद हुआ था। महिला ने मनचाही ड्यूटी की मांग रखी थी। महिला ने सूबेदार की बदसलूकी की कोई शिकायत एसएसपी या डीएम से नहीं की थी, जबकि वीडियो में महिला का दावा था कि उसने डीएम और एसएसपी दोनों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने दोनों महिला पुलिस कर्मियों को लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा था, लेकिन दोनों महिला पुलिस कर्मी नहीं पहुंची, जिससे इनके आरोप कमजोर नजर आ रहे थे। लिहाजा हमारी पड़ताल में ये वीडियो झूठा पाया गया। ना तो महिला ने कोई शिकायत लिखवाई और ना ही उसकी मुलाकात जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से हुई। पुलिस कप्तान की जांच महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लिहाजा हमारी पड़ताल में ये वीडियो झूठा पाया गया।